नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आज लखनऊ में, और हम भी लखनऊ में ही इस समय हैं। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक सभा थी, जिसमें उन्होंने टैबलेट वितरण करने का काम किया है। लेकिन जो टैबलेट वितरण करने का इन्होंने काम किया है, उस काम में अगर मैं देखूं तो आज 25 दिसंबर है, सरकार की तरफ से ही पूरे उत्तर प्रदेश में जनता कर्फ्यू रात 11 से सुबेरे 5 बजे तक लगाई गई है। मैं भी गया था बाहर, 10:12 या 15 मिनट हो रहा था, उतने में ही कुछ पुलिस वाले आए, मोटरसाइकिल से थे, और सारी दुकानें बंद कराने लगे। मतलब उनके व्यापार पे वो लोग रात में, जहाँ भीड़ नहीं है, 2-3 लोग थे 4 लोग थे वहाँ पे, मतलब दुकानें बंद करा के उनके व्यापार पे इतनी मतलब क्षति कर रहे थे, सारी चीज़ों को लेकर के बंद करना पड़ा उनको। अभी तक तो फ़िलहाल सब बंद कर दिए होंगे। मैं 7:30 बजे भी मार्केट में था, उस समय भी मैंने देखा कि कुछ पुलिस की गाड़ियाँ थी जो कि अपना माइक लगा करके अनाउंस कर रही थी कि रात 11 बजे के बाद से कोई दुकान वाले दिख ना जाए, किसी की दुकान खुली ना रहे, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज के ही दिन पे ही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक सभा करी गई थी, जिसमें टैबलेट वितरण का कार्य किया गया था। स्क्रीन पे मैं आप सभी लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए। ये जो भीड़ है, ये जो संख्या देख रहे हैं आप, एक एक व्यक्ति को गिन नहीं सकते, ये किस हिसाब से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अब मौसम इस प्रकार का इस समय चल रहा है, चाहे ओमिक्रॉन फैला हो, चाहे कोरोना फैला हो, चाहे जो भी फैला हो, मौसम ऐसा है, ठंडी का मौसम है, कहीं ना कहीं लोगों से लापरवाही हो जा रही है। तो लोगों के अंदर शीत हो जा रहा है, सर्दी हो जा रही, जुकाम हो जा रहा, उनको छींके आ रही हैं, और नाक जाम है, तो कहीं किसी को खांसी आ रही है, तो तमाम प्रकार की मौसम है। अब क्या इस भीड़ में लोग, मैं आपको वीडियो भी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर, ये लोग तो दिखाना चाह रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए फैन फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग भीड़ लगाए हैं, कितने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हम अगली बार भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। लेकिन अपनी करी गई नियम कानून के विरुद्ध ये सारी चीज़ें, ठीक है आपने रात में लगाया, आप दिन में भीड़ कर रहे हैं, यार रात में निकलता कौन है भाई? रात में हमको बताइए निकलता कौन है, भीड़ में निकलता कौन है इस समय? कोई तो नहीं निकलता ना। तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब हो क्या रहा है, सारी चीज़ें ये दिखाव के लिए रात में है, एकदम रात में 11 से 5, जिस समय आदमी सोता है, ठंडी में रजाई के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, उस समय कर्फ्यू है, इमरजेंसी लग जाए किसी को, आदमी किस हिसाब से परेशान होगा, दिन में आप ऐसी भीड़ कर रहे हैं। मतलब हद है इस समय, मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई साहब सरकार का, मतलब हर एक प्रकार से लोगों का दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है, या ये जनता को एकदम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमको समझ नहीं आ रहा। एक बार वीडियो आप सभी लोग स्वयं देखें, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग देख लिए होंगे, लेकिन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक मित्र थे जिनका कॉल आ गया था भाई। तो देखिए यार आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वीडियो, थोड़ा देखिए ध्यान से आप सभी लोग। ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इस समय यहाँ पे, ये इनकी एंट्री हुई है, ठीक है, और कैमरे का भी फोकस जनता पे भी जाएगा, निश्चिंत रहें आप सभी लोग, देखते रहें वीडियो। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं भैया, मास्क लगाए हुए हैं, हमें पता है कि जो इस समय एंट्री कर रहे होंगे यहाँ पे, उनके लिए भी मास्क एकदम अलाउड होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भीड़ देख करके, ये जो भीड़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप यहीं देख लीजिए कितने लोगों ने मास्क लगाया है, ये वाला कालम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भीड़ आप सभी लोग देख सकते हैं किस हिसाब से, पीछे बैकग्राउंड में पूरी भीड़ आप सभी लोग नोटिस कर सकते हैं, 2-3 लाख लोगों की संख्या में ये भीड़।
और रात में सिर्फ 10-15 लोग भी खड़े हो जाएं तो दिक्कत है, डर का माहौल इस हिसाब से बन गया है रात में 11-5 में, लेकिन सुबह ये लाखों लोगों की भीड़ आप सभी लोग देख लीजिए। स्वयं मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, अभी मास्क उतार करके फोटो खिंचवाने की मुद्रा में खड़े हुए हैं, मास्क निकाल दिए इन्होंने। भीड़ देख रहे हैं आप सभी लोग, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे यहाँ से ये स्टेडियम 250-300 मीटर के आसपास में होगा, मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे सुबह जाने को लेकर के। और किसी की आवाज आ रही है इसमें से, ये भीड़ हटाइए आप लोग, ध्यान से आप सभी लोग ऑडियो सुनिएगा, ये कोई फेसबुक की वीडियो हो उसी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। जैसा कि इस वीडियो के बाद मैं आप सभी लोगों को, दोस्तों देखें, योगी जी की इस वीडियो के बाद मैं आप सभी लोगों को इनके जो टैबलेट वितरण किया गया है उसकी अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा, और जो एक मोबाइल है उसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा है क्या है। बाकी आगे बने रहिए अपडेट, आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश साथ में अन्य जो भर्ती विभाग है उसकी सारी अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर जरूर करें। भीड़ देख सकते हैं आप सभी लोग, अगर ये नॉर्मल डेज की चीज़ें होती तो मैं सराहना जरूर करता कि इतनी भीड़ आप सभी लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल डेज में होती तो, लेकिन इस समय तो फिलहाल आप सभी लोग स्वयं अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।